दोस्तों आज का मैच ही बहुत ही रोमांचक है, जो कि आरसीबी वीएलएसजी यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और लखनऊ के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों आमने सामने होंगी, कौन जीत सकता है। तो फिलहाल आप लोग मैच लगा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, कौन से प्लेयर चल सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर को लेना है, अभी तक कितने मैच हुए हैं, कितना कौन रन बनाया है, जो भी है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानिएगा। उसी के हिसाब से जो है आपको टीम को लगाना है। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं दोस्तों देखिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों से किसका होगा बेंगलोर में राज, जाने कैसा रहेगा पिच का मिजाज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 अप्रैल को लखनऊ सुपर ज्वाइंटर्स से अपने ही घर में लोहा लेने वाली है। दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये देखिए आईपीएल 2024 का 15वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और लखनऊ सुपर ज्वाइंटर्स के बीच 2 अप्रैल को बंगलुरु के एम चित्रा स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था, वही लखनऊ ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी। आरसीबी और लखनऊ के बीच पिछले सीजन राइवलरी भी देखने को मिली थी, इसे में इस बार भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है। आइए जानते हैं बेंगलुरु और लखनऊ के बीच होने वाले इस मैच के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। उसके बाद एक एक हिस्से में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, भाई आप लोग बने रहिए। ये देखिए बंगलोर और लखनऊ के बीच का पिच रिपोर्ट। बंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है, गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। मैदान छोटा होने की वजह से चौकों छक्कों की बारिश भी देखने को मिल सकती है। स्पिनर्स के लिए इस पिच पर मदद रह सकती है, वह बल्लेबाजों को थोड़ा फंसा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बेंगलुरु के इस मैदान में अब तक आईपीएल के कुल 90 मैच खेले गए हैं। इसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 तो दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम 49 मैच जीते हैं। यहां टीमों को चेज करना पसंद है, इसी में जो भी टीम टॉस से जीतेगी वह पहले गेंदबाजी करने को देख सकती है। पहली बार का औसत स्कोर एम चित्रास्वामी स्टेडियम में 172 रन है। उसके बाद टीम इस प्रकार है। तो फिलहाल देखिए टीमों का नाम मेंशन किया गया है, नाम दिया हुआ है, यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी इसमें बताया जा रहा है, अच्छी खासी बैटिंग पिच है, बैटमैन को ज्यादा मदद मिल सकती है, तो उसी प्रकार से आपको टीम लगाना है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद।